लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण टॉपिक से पढ़ने से पहले हम एग्रीकल्चर शब्द के बारे में पढ़ेंगे और एग्रोनॉमी शब्द के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फसलों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर शब्द के बारे में। तो एग्रीकल्चर बेसिकली दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, एग्री प्लस कल्चरा, ठीक है, एग्री प्लस कल्चरा दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है एग्रीकल्चर शब्द, जिसका अर्थ होता है सॉयल, ठीक है। एग्री का अर्थ होता है सॉयल और कल्चरा का अर्थ होता है कल्टीवेशन, अर्थात कल्टीवेशन ऑफ सॉयल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ सॉयल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अगर हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृषि विज्ञान एक कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है, कृषि एक कला और विज्ञान दोनों है, जिसमें हम मिट्टी के उपयोग के संबंधी सभी मानव क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो कृषि में हम क्या करते हैं, कृषि में हम मिट्टी के उपयोग से संबंधित जैसे फसल उगाना हो गया, जुताई करना हो गया, फसल किस तरह से तैयार होती है, उसमें कौन से कीट कीट लगते हैं, कीट पतंगे लगते हैं, उनका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, ये सभी चीज़ें जो हैं जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि बोलते हैं, खेती बोलते हैं, ठीक है। कृषि विज्ञान के तहत ये सभी मानव क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं, जिसे हम लोग कृषि कहते हैं। तो यहाँ से आप लोगों के तीन क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्टली परीक्षा में तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो एग्रीकल्चर शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है, सबसे पहले बात करेंगे तो एग्रीकल्चर शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, ध्यान रखेंगे दो लैटिन भाषा का शब्द है। और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वह बनता है कि एग्री का अर्थ क्या होता है, या फिर पूछ लेते हैं कल्टीवेशन का अर्थ क्या होता है, इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। और जो लास्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का बनता है वह बनता है कि कृषि विज्ञान जो है क्या है, कृषि विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले तो इसमें पूछते हैं कि कृषि विज्ञान कला है या फिर विज्ञान है या फिर दोनों। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कृषि विज्ञान जो है कला और विज्ञान दोनों को अपने अंदर समाहित करता है, ठीक है। कृषि विज्ञान क्या करता है, कला और विज्ञान दोनों को अपने अंदर समाहित करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कृषि विज्ञान कला और विज्ञान दोनों का मिश्रण है, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आगे हम लोग बात करेंगे एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी शब्द के बारे में बात करें तो एग्रोनॉमी शब्द दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। किससे बना है, दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है एग्रोनॉमी, दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है एग्रोनॉमी। कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस प्लस नोमस। एग्रोस का अर्थ होता है फील्ड और नोमस का अर्थ होता है मैनेजमेंट, ठीक है। एग्रोस का अर्थ होता है फील्ड और नोमस का अर्थ होता है मैनेजमेंट, टू मैनेजमेंट। इस तरह से हम एग्रोनॉमी की परिभाषा कर सकते हैं। एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम भूमि प्रबंधन तथा फसल उत्पादन के सिद्धांतों एवं उनकी क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं इसमें, इसमें हम लोग फसल उत्पादन के सिद्धांतों और उनमें जो हम लोग क्रियाएं करते हैं उन सभी का हम लोग क्या करते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमी बोलते हैं। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। यहाँ से सब यहाँ से किस तरह से प्रश्न बनते हैं, यहाँ से प्रश्न एक ही प्रश्न बनता है, यहाँ से प्रश्न इस तरह से बनता है कि एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है। तो एग्रोनॉमी जो है क्या है, एग्रोनॉमी एक ग्रीक एक क्या है, एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी, एक फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहा जाता है? तो पीटर डेक्रेशेनजी को फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसको कहा जाता है? पीटर डेक्रेशेनजी को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जेथ्रो टुल की बात करेंगे। तो जेथ्रो टुल जो है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, ठीक है, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक लिखी, जिनके आधार पर सीड ड्रिल तथा हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर विकसित किया, और जेथर टुल को फादर ऑफ बीड और फादर ऑफ जीरो टिलेज भी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ बीड और फादर ऑफ जीरो टिलेज किसे कहा जाता है? जेथर टुल को कहा जाता है। इतनी चीजें आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे, ठीक है। और इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है ए आर एग्रीकल्चरल अकेडमी। आप लोग टेलीग्राम में जाएंगे, वहां से सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप लोग ज्वाइन करके इसको पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे फसलों का वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण, ठीक है। फसलों का वर्गीकरण आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फसलों का वर्गीकरण आज हम लोग पढ़ेंगे व्यापारिक दृष्टिकोण से फसलों का वर्गीकरण। व्यापारिक दृष्टिकोण से फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, उसके बारे में आज हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से फसलों का वर्गीकरण। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से फसलों का वर्गीकरण जो है इस तरह से किया गया है, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनाज की फसलें, ठीक है, अनाज की फसलें, सीरियल क्रॉप्स, पल्स क्रॉप्स, ठीक है, तिलहनी फसलें, रेशे वाली फसलें, चारे वाली फसलें, शर्करा फसलें, शुगर क्रॉप्स जिसको हम लोग बोलते हैं, मसाले वाली फसलें, इस और सब्जी की फसलें, ठीक है, सब्जी वाली फसलें, ये जो है इतने प्रकार से हमारे हमारी ये जो फसलें हैं इनको डिस्क्राइब किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है व्यापारिक दृष्टिकोण से। व्यापारिक दृष्टिकोण से किस कौन कौन से वर्गीकरण है? अनाज की फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, रेशे वाली फसलें, चारे वाली फसलें, शर्करा फसलें, मसाले वाली फसलें और सब्जी की फसलें। याद करेंगे, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, अनाज की फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, रेशे वाली फसलें, चारे वाली फसलें और शर्करा फसलें, मसाले वाली फसलें और सब्जी की फसलें। ये सभी चीजें आप लोग याद कर लेंगे। आगे हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं कि अनाज की फसलें किसे कहते हैं, दलहनी की फसलें किसे कहते हैं, दलहनी की फसलें किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करेंगे अनाज की फसलें। अनाज की फसलें सीरियल क्रॉप्स, सीरियल क्रॉप्स किसे कहते हैं? सीरियल क्रॉप्स हम उन फसलों को कहते हैं जिनका उपयोग मनुष्य खाने के लिए दाने के रूप में करता है, ठीक है, मनुष्य खाने के लिए दाने के रूप में जिनका उपयोग करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीरियल क्रॉप्स कहते हैं। और इनका जो वनस्पतिक भाग होता है, इनका जो वनस्पतिक भाग होता है, इनसे जो भूसा, या जैसे हम गेहूं की बात करें तो गेहूं से हमें भूसा प्राप्त होता है, धान से पुआल प्राप्त होता है, तो उसका प्रयोग हम लोग, जो वनस्पतिक उसका भाग बचता है ग्रेन निकालने के बाद, उसका प्रयोग पशुओं को खिलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो धान, गेहूं, धान, मक्का, ये हमारी कैसी क्रॉप्स हैं? ये हमारी सीरियल क्रॉप्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे दलहनी फसलों की। तो दलहनी फसलें किसे कहते हैं? दलहनी फसलें हम उन्हें कहते हैं जिनमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं, ठीक है। बीज पत्रों की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? दलहनी फसलों में बीज पत्रों की संख्या जो है दो होती है, ठीक है।
बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है? दो उसमें बीज पत्र पाए जाते हैं, और इन फसलों के बीज मुख्य रूप से प्रोटीन के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन फसलों में जो है क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। प्रोटीन के उपयोग के लिए हम इन्हें उपयोग में लाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दलहनी फसलें कहते हैं। जैसे कि दलहनी फसलों के उदाहरण हो गए अरहर, उड़द, चना, मसूर, मटर। ये हमारे कैसे हो, ये जो है उदाहरण हो गए, ये नोट कर लेंगे आप लोग, अरहर, उड़द, चना, मटर, मसूर, ये जो है क्या हो गए, ये जो है सब उदाहरण हो गए दलहनी फसलों के। इसके बाद हम लोग एक सेशन करेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इन सभी सीरियल क्रॉप्स, दलहन सीरियल क्रॉप्स, पल्स क्रॉप्स और ऑयल सीड क्रॉप्स, इन सभी क्रॉप्स की जो जो इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक नाम है उन सभी को हम लोग आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उनके वैज्ञानिक नाम आप लोग याद कर लेंगे, उनकी फैमिली और उनमें कितने क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं, ये आने वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग केवल इतना पढ़ने वाले हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलें, ऑयल सीड क्रॉप्स, ऑयल सीड क्रॉप्स, ठीक है। ऑयल सीड क्रॉप्स क्या होती हैं, ऐसी फसलें जिनके बीज से तेल निकाला जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तिलहनी फसलें कहते हैं। जिनके बीज से हमें क्या प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है। जिनके बीज से हमें क्या प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है, तेल निकाला जाता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तिलहनी फसलें कहते हैं। जैसे कि मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, नारियल, ये हमारी कैसी फसलें हैं, ये सभी जो है तिलहनी फसलें हैं, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं रेशे वाली फसलें। रेशे वाली फसलें फाइबर क्रॉप्स, ठीक है। रेशे वाली फसलें या फाइबर क्रॉप्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइबर क्रॉप्स बोलते हैं। तो फाइबर क्रॉप्स का उपयोग क्या होता है, जिन फसलों से जीवन उपयोगी वस्तुएं, जैसे जीवन उपयोगी वस्तुएं जैसे कि हमारे वस्त्र बनाए जाते हैं, बोरे, टाट, रस्सी, इन सभी चीजों को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है रेशे वाली फसलों को। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम जो है रेशे वाली फसलें बोलते हैं, जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, वस्त्र बनाने में, बोरे बनाने में, टाट बनाने में, रस्सी बनाने में करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रेशे वाली फसलें कहते हैं। जैसे कि कपास, जूट, पटसन, कदई, ये कैसी फसलें हैं, ये सभी जो है रेशे वाली फसलें हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं चारे वाली फसलें। चारे वाली फसलें फॉडर क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स, चारे वाली फसलों के नाम से ही हम लोग एकदम समझ सकते हैं कि जिन का उपयोग हम पशुओं के लिए चारे के रूप में करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, चारे की वाली फसलें बोलते हैं। जैसे कि लोबिया हो गया, मक्का, नेपियर ग्रास, ठीक है। लोबिया, मक्का, नेपियर ग्रास, ये हमारी कैसी फसलें हैं, ये सभी कैसी फसलें हैं, ये सभी चारे वाली फसलें हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे शुगर क्रॉप्स। शुगर क्रॉप्स, शर्करा फसलें, ठीक है, शर्करा फसलें, शुगर क्रॉप्स, जो फसलें अपने तने या जड़ों में शर्करा का संग्रह करती हैं। जो फसलें अपनी जड़ों में या तने में शर्करा का संग्रह करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम शर्करा फसलें कहते हैं। उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, उनसे हमें चीनी प्राप्त होती है। वे फसलें शर्करा वाली फसलें कहलाती हैं, जैसे गन्ना हो गया और चुकंदर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, मसाले वाली फसलें। मसाले वाली फसलें स्पीसीज, स्पाइसेस क्रॉप, जो फसलें खुशबू के लिए, स्वाद के लिए तथा मसाले के लिए उगाई जाती हैं। खुशबू के लिए, स्वाद के लिए और मसाले के लिए उगाई जाती हैं वे मसाले वाली फसलें कहलाती हैं, जिनमें उदाहरण है धनिया हो गया, धनिया, जीरा, इलायची, अजवाइन, सौंफ, प्याज, लहसुन, ये सभी हमारी कैसी फसलें हैं, ये सभी जो है मसाले वाली फसलें हैं। आगे हम लोग बात करेंगे सब्जी की फसलें, वेजिटेबल क्रॉप्स। वेजिटेबल क्रॉप्स की अगर हम बात करें
तो जिन फसलों को हम सामान्यतः खाने सब्जी के रूप में खाने के लिए उगाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जी वाली फसलें बोलते हैं, जैसे कि लौकी हो गई, लौकी, तोरई, अरवी, ये सभी, आलू, ये सभी कैसी फसलें हो गई, ये हमारी सब सब्जी वाली फसलें हो गई। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी समस्या रहती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को कल एक नए सेशन के साथ। कल हम लोग डिस्कस करेंगे फसलों का वर्गीकरण ऋतु के आधार पर, और हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे फसलों का वर्गीकरण लाइफ के अनुसार, मतलब एक वर्षीय, दो वर्षीय और बहुवर्षीय फसलों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों को कल नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।